हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गॉड्स ओन कंट्री मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2017 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 7.7 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रांसिस ली ने। पर स्टोरी बताने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहानी की शुरुआत होती है यॉर्कशायर में, जहाँ जॉन अपने डैड मार्टिन और ग्रैंड मदर डियर्ड्री के साथ रहता था और उनका एक फार्म भी था। अब क्योंकि मार्टिन को स्ट्रोक हुआ था और डियर्ड्री की एज बहुत ज्यादा थी, तो फार्म का सारा काम जॉन को करना पड़ता था और दिन ब दिन फार्म को लॉस हो रहा था क्योंकि जॉन फार्म में काम कम करता था और ऑफ टाइम ज्यादा लेता था। तो इसीलिए जॉन गाय बेच देता था और उससे जितना पैसा मिलता था उससे उनका घर चलता था। और ऑफ टाइम में जॉन ड्रिंक करता था और किसी भी लड़के के साथ सेक्स करता था, लेकिन जब कोई रिलेशनशिप के बारे में बोलता था तो वो उसे मना कर देता था। तो एक दिन यही सब करके जब जॉन फार्म में वापस जाता है तो वो देखता है फार्म में उसके पापा है, जो जॉन को बताते हैं जब वो फार्म में नहीं था तो गाय का एक बच्चा हुआ पैर के तरफ से और वो मर गया। तो इसलिए मार्टिन उसे बहुत सुनाता है। तो जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि चाहे वो कुछ भी करे, मार्टिन उसे सुनाता था और कभी भी उसकी तारीफ नहीं करता था। तो जब मार्टिन वहाँ से चला जाता है तो जॉन अपना सारा गुस्सा उस काऊ के बच्चे के ऊपर निकाल देता है। कहानी में आगे जब सब मिलके लंच कर रहे थे तब मार्टिन जॉन को बताता है कि उन्होंने जियोर्जी को हायर किया है मेमने की मौसम के लिए, ताकि वो फार्म के काम में हेल्प करे। लेकिन जॉन इस डिसीजन से खुश नहीं था क्योंकि फार्म का सारा काम वो करता है और फार्म की सारी डिसीजन उसके पापा लेते हैं। तो जॉन को ना चाहते हुए भी उसके पापा के कहने पर जियोर्जी को पिकअप करने के लिए जाना पड़ता है और वहीं पे ही दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। कहानी में आगे जियोर्जी जॉन के घर आता है तो जॉन उसे कैरावान दिखाता है, क्योंकि जियोर्जी ने जॉन की फैमिली को कहा था कैरावान की इंतजाम करने के लिए, ताकि जियोर्जी वहाँ पर रह सके। फिर जॉन उससे पूछता है क्या वो पाकिस्तानी है, तो जियोर्जी बताता है कि वो रोमानिया से है। ये सुनकर जॉन उसे जिप्सी बोलता है, जिसे सुनकर जियोर्जी बहुत गुस्सा हो जाता है और जॉन को जिप्सी बोलने के लिए मना करता है। तो जॉन वहाँ से जाते हुए जियोर्जी को बताता है कि कैरावान का डोर लॉक नहीं होता है। तो जॉन जब डोर बंद करने की कोशिश करता है तो उससे नहीं होता है। तो जॉन अपना सारा गुस्सा उस डोर पर दिखाता है और ये जियोर्जी समझ जाता है कि जॉन को जब गुस्सा आता है तो वो अपना सारा गुस्सा किसी भी चीज पर निकाल देता है। उसके बाद जब जियोर्जी जॉन के फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, वो मार्टिन को बताता है कि वो भेड़ के दूध से चीज बना सकते हैं जिससे उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन मार्टिन बताता है कि उनको बस एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए मेमने की जन्म के लिए। ये सुनके जियोर्जी कहता है ठीक है। तो मार्टिन जियोर्जी को बताता है कि उसे 1 वीक तक काम करना है। तभी जॉन नीचे आता है तो मार्टिन उससे बात करता है और जियोर्जी एक बिस्किट ले लेता है क्योंकि उसको खाना पसंद नहीं आया। तभी मार्टिन जॉन से कहता है जियोर्जी को बाहर ले जाने के लिए, लेकिन जियोर्जी मना कर देता है और कैरावान में जाके वो बिस्किट खाता है। और जॉन जाता है पब में और वहाँ ड्रिंक करता है। फिर रात को जियोर्जी एक आवाज सुनता है तो वो कैरावान से बाहर देखता है। एक टैक्सी ड्राइवर जॉन को उसके घर छोड़ के जाता है और वो घर के बाहर ही सो जाता है। अगले दिन मार्टिन और जियोर्जी फार्म में जाते हैं, जहां मार्टिन देखता है भेड़ की झुंड फार्म की मेन पार्ट से कहीं और चले गए हैं, क्योंकि फार्म की बाउंड्री वॉल टूट गया था और जॉन ने वो ठीक नहीं किया था। तो जॉन जब नींद से उठ के गाय के पास जाता है, वहां मार्टिन उसे बहुत सुनाता है जियोर्जी के सामने। तो जॉन भी उसके पापा को बहुत सुनाता है। तो मार्टिन ये डिसाइड करते हैं जॉन और जियोर्जी भेड़ की झुंड के पास कैंप करेंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि अगर भेड़ के बच्चे कमजोर और बेहोश पैदा हो तो वो दोनों उनका ख्याल रख सके। तो अगले दिन जॉन और जियोर्जी अपना सामान पैक करके जाते हैं फार्म में रहने के लिए। तो वहाँ जाते ही जॉन जियोर्जी को जिप्सी कह के बुलाता है और उसे काम करने के लिए भी बोलता है, जिसे सुनकर जियोर्जी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता है उसको और काम करता है। और रात को भेड़ की एक बच्चा होता है जो आवाज नहीं कर रहा था, तो जियोर्जी बहुत कुछ करता है जिससे वो आवाज करने लगता है। और ये सब देखकर जॉन को बहुत अजीब लगता है। फिर दोनों कप नूडल्स खाते हैं, जहां जियोर्जी कप नूडल्स में शुगर डाल के खाता है और ये जॉन देखता है लेकिन उससे मांगता नहीं है। फिर दोनों रात को सो जाते हैं। अगले दिन जब जियोर्जी अपनी बॉडी को पोंछ रहा था तो जॉन उसे देखता है और खुद को कंट्रोल करता है उसके साथ रोमांस ना करने के लिए, और फिर उसे जिप्पो बुलाता है। ये सुनकर जियोर्जी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर लेट जाता है और कहता है कि वो उसके साथ सेक्स करेगा, लेकिन अभी दोनों को काम करना है। ये सुनकर जॉन राजी हो जाता है काम करने के लिए। फिर दोनों बाउंड्री वॉल को ठीक करने जाते हैं
तो वहाँ पे काम करते हुए जॉन के हाथ में चोट लग जाती है। तो जियोर्जी उसके हाथ को देखता है और जॉन जियोर्जी को देखता रहता है। और जब भी जियोर्जी काम करता है जॉन उसको देखता रहता है, क्योंकि उसको उसके साथ रोमांस करना था। फिर रात को दोनों कप नूडल्स खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब जियोर्जी बाहर टॉयलेट कर रहा था तो जॉन बाहर आता है उसके साथ रोमांस करने के लिए। ये देख के जियोर्जी हंसता है। फिर जॉन मिट्टी में एग्रेसिव होकर जियोर्जी के साथ रोमांस करता है। उसके बाद जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब जियोर्जी जॉन को देखता रहता है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था लेकिन जॉन उससे बात नहीं कर रहा था। आगे दोनों बाउंड्री वॉल ठीक करने जाते हैं। वहाँ पे जियोर्जी जॉन को बताता है कि वो जब बच्चा था उसको ऐसा लगा कि वो अपनी फार्म से कभी बाहर जा ही नहीं पाएगा। और ये सब जियोर्जी जॉन को इसलिए बताता है क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहता था। फिर जियोर्जी उससे पूछता है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन यहाँ लोनली फील होता होगा ना। लेकिन जॉन इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है और बस चुप रहता है। तो जियोर्जी चुप हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं पूछता है। फिर रात को जब दोनों कप नूडल्स खा रहे थे तब जियोर्जी अपने नूडल्स में शुगर मिलाने ही वाला था, लेकिन जॉन उसका कप नूडल्स आगे बढ़ा देता है। तो जियोर्जी उसके नूडल्स में शुगर मिला देता है। आगे जॉन नूडल्स खाता रहता है और जियोर्जी उसे देखता रहता है, क्योंकि जॉन उससे बात नहीं कर रहा था और वो उससे बात करना चाहता था। और इससे जॉन को ऑकवर्ड फील होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों देखते हैं ठंड के वजह से एक भेड़ का बच्चा मर गया है। तो जियोर्जी एक नाइफ से उसकी खाल काट लेता है और एक भेड़ के बच्चे को पहना देता है ताकि वो ठंड से बचा रहे। उसके बाद जियोर्जी उस बच्चे को उसके माँ के पास छोड़ देता है। तो वो बच्चा जब अपने माँ की दूध पीता है तो वो देख के दोनों हंसते हैं। फिर दोनों आग के पास बैठ के सिगरेट पीते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों हंसते रहते हैं। फिर रात को जब जियोर्जी सोने के लिए आता है तो उसे देख के जॉन खुद को कंट्रोल करता है रोमांस ना करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जियोर्जी जॉन को सिखाता है कि बिना एग्रेसिव होके भी रोमांस कर सकते हैं। और वहीं पे ही दोनों पहली बार किस करते हैं। अगले दिन सुबह जियोर्जी जॉन को बताता है कि उसके कंट्री में स्प्रिंग का मौसम बहुत ही सुंदर है। ये सुन के जॉन बताता है कि उसकी माँ एनी को भी स्प्रिंग बहुत पसंद था और उसकी माँ टाउन में एक हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी और इसीलिए वो सबको छोड़ के चली गई। ये बोल के जॉन सैड हो जाता है। कहानी में आगे जियोर्जी दौड़ के जाता है बाउंड्री वॉल के उस पार। ये देख के जॉन उसके पीछे जाता है और दोनों वहाँ पे देखते हैं एक सुंदर नजारे को। और वो देख के दोनों ही खुश हो जाते हैं और जॉन पहली बार इतना खुश दिख रहा था जियोर्जी के साथ। कहानी में आगे दोनों फार्म से वापस जॉन के घर जाते हैं। उसके बाद दोनों काम करते हैं। फिर रात को जब दोनों टीवी देख रहे थे तब जॉन का बहुत मन था रोमांस करने का, लेकिन वहाँ पर डियड्री थी तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था और इसलिए जॉन जल्दी जल्दी डियड्री को नीचे भेज देता है। फिर जॉन जियोर्जी को बोलता है उसके रूम में सोने के लिए, लेकिन जियोर्जी मना कर देता है और उसे कैरावैन में आने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तो कुछ देर बाद जॉन गुस्सा होकर कैरावैन में जाता है और जॉन को गुस्सा देख के जियोर्जी उससे प्यार करता है। अगले दिन दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जियोर्जी गाड़ी चलाता है लेकिन गाड़ी चल नहीं रहा था तो जॉन उसकी हेल्प करता है और जियोर्जी के फेस में मिट्टी लगा देता है और हंसता रहता है। और ये सब मार्टिन देख लेता है और जॉन को उसके साथ खुश देख के वो समझ जाता है कि जॉन गे है। कहानी में आगे एक तरफ जॉन और जियोर्जी जाते हैं एक झील के पास और वहाँ पानी में एंजॉय करते हैं। फिर पानी से बाहर आके हंसते रहते हैं और इससे पता चलता है जॉन लाइफ में पहली बार जियोर्जी के साथ बहुत खुश था। और दूसरी तरफ मार्टिन जब घर जा रहा था तो उनको स्ट्रोक होता है और वो रास्ते पर गिर जाते हैं। ये देख के डियड्री उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर जब जॉन और जियोर्जी घर वापस आते हैं तो जॉन को पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जल्दी से जॉन और जियोर्जी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ जॉन अपने डैड को देख के सैड हो जाता है। तो जियोर्जी टी पीने के लिए वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जॉन का फैमिली मैटर था। फिर वहाँ पे डियड्री जॉन को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसके पापा को सेकेंड स्ट्रोक आया है स्ट्रेस की वजह से। ये सुन के जॉन सैड हो जाता है और वहाँ बैठता है। तो डियड्री उसे बताती है कि अब सारी जिम्मेदारी उसकी है तो उसे काम पर ध्यान देना होगा। फिर डियड्री उसे टी पीने के लिए बोलती है। तो जॉन जब जियोर्जी के पास जाता है तो जियोर्जी जॉन से पूछता है कि उसने डॉक्टर से बात किया है या नहीं। तो जॉन कहता है नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता है डॉक्टर कुछ ऐसा बोले जो वो सुनना नहीं चाहता है। ये सुन के जियोर्जी उसे शांत कराता है। फिर जॉन अपने डैड के पास जाके बैठता है और उनके हाथ को टच करता है
लेकिन तभी डेड्री आ जाती है तो जॉन अपना हाथ हटा लेता है। फिर वो अपनी दादी से कहता है कि उसे काउस को चेक करने जाना है, तो उसकी दादी उसे वहाँ का काम संभालने के लिए कहती है। ये सुन के जॉन हॉस्पिटल से चला जाता है। फिर फार्म में जाके जब वो गाय को खाना देने जाता है तो वो खाना देने के बजाय उस पर गुस्सा करता है। ये देख के जॉर्जी जॉन को समझाता है कि ये गाय की गलती नहीं है, तो जॉन शांत हो जाता है। रात को जॉर्जी जॉन के लिए पास्ता बनाता है और टेबल भी सजाता है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों साथ में बैठ कर खाना खाते हैं। कहानी में आगे मार्टिन को होश आ जाता है हॉस्पिटल में, तो डेड्री ये बात कॉल करके जॉन को बताती है और ये सुन के जॉर्जी और जॉन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जब जॉन और जॉर्जी साथ में नहा रहे थे तो जॉर्जी जॉन से कहता है कि वो उसके घर कुछ दिन और रहना चाहता है जब तक मार्टिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है, तो इसके लिए जॉन राजी हो जाता है। फिर रात को दोनों रोमांस करते हैं। अगले दिन जॉर्जी चीज बनाता है और जॉन ये देखता है। फिर शाम होने से पहले जॉन और जॉर्जी भेड़ की झुंड को नीचे लेके आते हैं। फिर दोनों जब फार्म में काम कर रहे थे तब जॉन देखता है कि डेड्री घर वापस आई है, और जब डेड्री घर के अंदर जाती है तो उनको पता चल जाता है कि जॉन और जॉर्जी रोमांस करते हैं। फिर डेड्री जॉन के कपड़े को हक करके रोती रहती है क्योंकि उनको पता चल गया था कि जॉन गे है, और तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है। तो जॉन डेड्री को बताता है कि जॉर्जी यहाँ पर कुछ दिन और रहेगा जब तक उसके पापा ठीक नहीं हो जाते हैं। ये सुनकर डेड्री गुस्सा हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि जॉर्जी यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आया है। ये सुन के जॉन कहता है कि उसे पता है। फिर जॉन जॉर्जी को लेके पब में जाता है। वहाँ जॉन ड्रिंक करता है। फिर जॉर्जी को उसके घर कुछ दिन ज्यादा रहने के लिए बोलता है। ये सुन के जॉर्जी उससे पूछता है क्या मार्टिन और डेड्री इसके लिए राजी है, तो जॉन कहता है कि वो दोनों मान जाएंगे, लेकिन जॉर्जी रहने के लिए मना कर देता है क्योंकि इससे फार्म का लॉस होगा। फिर जॉर्जी उन दोनों के रिलेशन के बारे में बोलता है और ये सुन के जॉन फिर से इग्नोर करता है रिलेशनशिप को और जॉर्जी को ड्रिंक करने के लिए बोलता है, और ये सुन के जॉर्जी सैड हो जाता है। आगे जॉन फिर से ड्रिंक करता है और बाथरूम में किसी रैंडम लड़के के साथ रोमांस करता है, और ये देख के जॉर्जी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जॉन से प्यार करता था और जॉन को उसकी कोई परवाह नहीं था। फिर जॉर्जी पब से चला जाता है, और जब जॉन बाथरूम से बाहर आता है वो देखता है पब में जॉर्जी नहीं है। तो जब जॉन घर जा रहा था अपने रास्ते पर वो जॉर्जी को देखता है जो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रहा था, तो जॉन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन उसे देखकर जॉर्जी उसे मारने जाता है लेकिन नहीं मारता है और वहाँ से चला जाता है जॉन को बिना कुछ कहे, और ये देख के जॉन बहुत सैड हो जाता है। अगले दिन जॉन फार्म में काम करता है। फिर उसके डैड हॉस्पिटल से वापस घर आ जाते हैं। अब मार्टिन की हालत ऐसी थी कि वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता था, तो जॉन और डेड्री मार्टिन की ख्याल रखते थे। कहानी में आगे जॉन पूरा दिन फार्म में काम करता था और जॉर्जी को मिस करता था, और रोज सैड होके जॉन अपने घर जाता था और ड्रिंक करना भी उसने छोड़ दिया था। और ये सब देख के मार्टिन भी समझ जाता है कि जॉन बहुत सैड है। अब क्योंकि जॉन समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, तो वो अपना गुस्सा कैरावान पर निकाल देता है। कहानी में आगे जॉन अपने पापा का ख्याल रखता है, जो देखकर उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो जॉर्जी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कॉल नहीं लगता है तो वो उसका पता ढूंढता है। पूरा दिन काम करता है और रात को अकेले में रोता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो जॉर्जी से प्यार करता है और उससे एक बहुत बड़ी गलती हुआ है। कहानी में आगे एक दिन जॉन मार्टिन को लेके फार्म में जाता है, जहां मार्टिन जॉन का काम देख के पहली बार उसकी तारीफ करता है। फिर जॉन मार्टिन को बताता है कि वो फार्म में काम करेगा, लेकिन सारा डिसीजन उसका होगा और वो जॉर्जी को लेने जाएगा इसके लिए। ये सुन के मार्टिन गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है जॉन कभी वापस नहीं आएगा। तो जॉन अपने पापा को समझाता है कि वो वापस आएगा जॉर्जी के साथ, और जब वो वापस आएगा तब शायद सब कुछ अलग होगा। अब क्योंकि जॉन बहुत दिन से सैड था, तो मार्टिन उससे पूछता है क्या वो इससे खुश रहेगा, तो जॉन कहता है हाँ। ये सुन के मार्टिन जॉन की बातें मान लेता है। अगले दिन जॉन अपना सामान पैक कर लेता है स्कॉटलैंड जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जॉर्जी काम कर रहा था। फिर जब जॉन घर से जा रहा था तब डेड्री उसे रोकती है और उसे एक पेपर देती है जिसमें वो एड्रेस लिखा था, तो वो लेके जॉन सीधा जाता है स्कॉटलैंड जहाँ जॉर्जी काम करता है। और जॉर्जी उसे वहाँ देख के गुस्सा हो जाता है और जॉन से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है और वो वहाँ पे क्यों आया है। ये सुन के जॉन सिर्फ फार्म के बारे में बात करता है और शिप के बारे में भी।
ये सुन के जॉर्जी वहाँ से चले जाने वाला था, लेकिन तभी जॉन उसे रोकता है और उसे अपनी दिल की बात बता देता है कि वो उसको वापस ले जाने के लिए आया है और वो उसके साथ रहना चाहता है। फिर जॉन रोते हुए कहता है कि वो अब किसी भी रैंडम लड़के के साथ सेक्स नहीं करना चाहता है और वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है। ये सब सुन के जॉर्जी राजी हो जाता है उसके साथ रहने के लिए। अब क्योंकि जॉन रो रहा था तो वो उसे हंसाता है, फिर दोनों किस करते हैं। कहानी में आगे जॉर्जी जॉन के साथ यॉर्कशायर वापस चला जाता है और वहाँ जाकर सबसे पहले कैरावान को वापस भेज देता है और जॉन के साथ उसके घर रहता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूँ ये मूवी रोमांस और ड्रामा से भरपूर है और कुछ एडल्ट सीन भी है इसमें, तो बच्चों के सामने इस मूवी को मत देखना। और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मूवी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इस मूवी ने टोटल 31 अवार्ड जीता है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।